नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आज हम इस वीडियो में सक्सेसिव डिसीजन क्या होता है ये नंबर सिस्टम चैप्टर से ही ये टॉपिक है तो फटाफट इसको देख लेते हैं जैसे कोई भी संख्या है फॉर एग्जांपल कोई भी संख्या ले लेते हैं यार सिक्स फोर सिक्स को सात पाँच और चार से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा ठीक है ये रिमाइंडर हमें बताना है तो सक्सेसिव डिवीज़न क्या होते हैं देखो पहले सिक्स फोर सिक्स को हमने पहले सात से भाग करना है सात नीमत तिरसठ ठीक है बचेगा कितना भैया यहाँ पे एक छः सात दो नी चौदह नाइन्टी टू दो रिमाइंडर बच गया सक्सेसिव डिवीजन में क्या होता है जो हमारा ये क्वेश्चन आता है इसको हम फिर भाग करते हैं दूसरी टर्म से नाइनटी टू को अब हमें भाग करना है फाइव से ये कितने पे जाएगा भाई ये कटेगा फाइव वन जा फाइव बचेगा कितना चार दो और फाइव एट जा फोर्टी ठीक है पान आठ चालीस बचेगा रिमाइंडर यहाँ पे दो ठीक है जी अब इसको भी हमने भाग करना है सक्सेसी डिवीजन में ऐसे भाग किया जाता है इसको किससे भाग करना है चार से भाग करना किसको अथारा को अठारह को अठारह को हमने चार से भाग करना है चार चौकस सोलह ठीक है ये आ गया दो रिमाइंडर तो यहाँ पे आप एक चीज देखोगे जो सक्सेसी डिवीजन है ना उसमें क्या होता है कि जो हमारा ये तो क्या है रिमाइंडर क्वेश्चन ये डिवीजर भाई जो ये क्वेश्चन आया इसको हमने 18 से फिर इसको हमने फिर 5 से भाग किया फिर जो ये रिमाइंडर तो ये आ रहे हैं ठीक है ये रिमाइंडर आए इसको फिर हमने 4 से भाग किया ऐसे भाग करना ही इसको बोलते हैं सक्सेसी डिवीजन ये तो था बेसिक जो तरीका हम स्कूल टाइम में पढ़ते आए हैं अगर हमें शॉर्ट में भाग करना पड़े तो हम कैसे करेंगे भाई अगर हमें इसे शॉर्ट में भाग करना हो तो हम इसको कैसे करेंगे तो भैया सबसे पहले सिक्स फोर्टी सिक्स इसको हमने सात से भाग किया सात से भाग करेंगे तो भाई क्या बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे दो फिर हमने और कितने पे गया नाइन्टी टू पर गया अब नाइन्टी टू को फिर हम किससे भाग करेंगे पाँच से नाइन्टी टू को पाँच से भाग करेंगे, से. से करेंगे तो रिमाइंडर आएगा दो ठीक है जी अब हम इस 92 को जब हमने भाग किया तो ये दो पे गया तो कितना वो आया क्वेश्चन कितना आया अठारह अठारह को फिर हम चार से भाग करेंगे और रिमाइंडर आया दो ठीक है जी और जो फाइनल जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आया वो आया चार अब आप एक चीज देखो देखो चार चौक सोलह मल्टीप्लाई प्लस में टू एटीन अच्छा जी अठारह पाँच अठारह पाँच नब्बे नब्बे प्लस में टू कितना हो जाएगा नाइनटी टू नाइन्टी टू सेवन कितना हो जाएगा सिक्स फोर्टी फोर नाइन्टी टू को सात से मल्टीप्लाई करेंगे सात दूनी चौदह एक सात निम तिरसठ और एक चौसठ चार सौ चवालीस चार सौ चवालीस में जब हम दो प्लस करेंगे तो आएगा सिक्स फोर्टी सिक्स ठीक है ये तो था इसको भाई हमने इस फॉर्म में लेके आना भाई ये इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन में क्या हमें गिवन होगा उल्टा उल्टा प्रोसेस करेंगे ये संख्या हमें गिवन नहीं होगी ये संख्या हमें गिवन नहीं होगी ये संख्या हमें गिवन नहीं होगी ये संख्या भी हमें गिवन नहीं होगी हमें बोला जाएगा कि भाई एक संख्या है उसको सात से भाग करने पर पांच से भाग करने पर चार से भाग करने पर रिमाइंडर दो आता है दो आता है दो आता है तो उसका डिवीजर क्या होगा ऐसे पूछेगा अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि वह सबसे छोटी सबसे छोटी संख्या निकालो जिसको सात पाँच चार से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है सक्सेसिव रिमाइंडर कितना सक्सेसिव रिमाइंडर खाली रिमाइंडर नहीं सक्सेसिव रिमाइंडर कितना आता है भाई चार जीरो और दो तो हमें वो डिविजर की वैल्यू निकालनी है वो सक वो सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे आपको ये सब नहीं करना है आपको दो लाइन ऐसे मारनी है दो लाइन ऐसे करनी है जो हमें जिससे भाग करना है वो लिखना सात पांच चार ठीक है रिमाइंडर लिखना है चार जीरो दो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हमें यहां पे जो ये क्वेश्चन होगा जो मैंने आपको यहां पे बताया था ये ये वाला यहां पे ये जीरो लेना पड़ेगा सबसे छोटी निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा हूं सबसे छोटी निकालने के लिए और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा चार इंटू में जीरो करेंगे जीरो आएगा जीरो प्लस में दो करेंगे दो आएगा अच्छा जी पांच गुना में दो करेंगे दस आएगा दस गुणा में दस प्लस में जीरो करेंगे तो यहाँ पे दस ही आएगा अच्छा जी सात गुना में दस करेंगे सत्तर आएगा सत्तर प्लस में चार चौहत्तर ठीक है जी तो ये वो सबसे छोटी संख्या है जिसको सात पाँच चार से भाग करने पर जो सक्सेसिव रिमाइंडर आएंगे वो आएंगे चार जीरो और दो और सक्सेसिव रिमाइंडर कैसे आते हैं ये मैंने आपको बता दिया होप आपको ये समझ में आई होगी बात अब भाई सबसे छोटी संख्या तो हमने निकाल ली जीरो रख के चौहत्तर इससे आगे वाली अगर संख्या कौन सी हो जो सात पाँच और चार से जो सात पाँच चार से भाग करने पर रिमाइंडर चार जीरो दो ही दे तो भैया वो रखने के वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो क्वेश्चन है वो रखेंगे वन ठीक है जी वन रखेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए भैया रिमाइंडर तो आना चाहिए यहाँ पे कितना चार जीरो और दो तो चार एकम चार चार दो नहीं चार च, चार के हम करेंगे एक में मल्टीप्लाई प्लस में दो कर देंगे कितना हो जाएगा सिक्स पाँच के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस करेंगे ये गुना करेंगे पाँच इकतीस प्लस में जीरो तीस सात की तीस में मल्टीप्लाई करेंगे चार प्लस कर देंगे तो सात इक्कीस दो सौ दस प्लस में चार कितना हो जाएगा भैया दो सौ चौदह ये वो चौहत्तर से अगली संख्या है जो सात पांच चार से भाग करने पर रिमाइंडर चार, चार जीरो दो देगी होप आपको समझ में आई होगी एक्चुअली क्या है एस एस सी में जो सबसे छोटी संख्या है ना वो इस एक को लेके मानती है एस एस सी जीरो को लेके नहीं मानती लेकिन सही तरीका तो जीरो का है अगर क्वेश्चन पूछ ले ऑप्शन में आ जाए दोनों से मतलब दोनों ऐसे ऑप्शन आ जाए जीरो से भी निकाली हुई संख्या और एक से भी निकाली हुई संख्या तो आप जीरो वाली सबसे छोटी टिक करोगे अगर एक वाली आएगी जीरो वाली ना आए एक वाली आएगी तो भैया एक वाली भी सही होगी एस इसको मानती है अच्छा जी इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ये जो हम कर रहे हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी भैया सेवन इंटू में फाइव इंटू में फोर इनकी हम इनसे हम भाग कर रहे हैं राइट इंटू में के प्लस में स्मॉलेस्ट नंबर और ये जो के है ये क्या होगा हमारा एनी नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे करके आगे नेचुरल एनी नेचुरल नंबर अच्छा जी अब ये जो जिससे हम भाग कर रहे हैं भाई सात पांच चार से एक संख्या को भाग करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर ये आ रहे हैं तो भाई सात पांच चार को इसको मल्टीप्लाई किया कितना हो गया वन फोर्टी के प्लस में जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर हमने जीरो पुट करके यहाँ पे निकाला था कि था कितना था वो सेवेंटी फोर अच्छा जी ये क्या है ये उन संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी जिनको सात पाँच चार से भाग करने पर रिमाइंडर चार जीरो और दो देगा अब यहाँ पे आप के की जगह पे वन रख लो ठीक है वन रखोगे तो क्या हो गया भैया ये मल्टीप्लाई करोगे एक सौ चालीस एक सौ चालीस पश्चिम चौहत्तर कितना हो जाएगा ये हो गया चार सात और चार ग्यारह और एक दो दो सौ चौदह ये ही हमने ऊपर निकाला था ओप आप समझ रहे होगे ठीक है दो रखोगे तो वो नेक्स्ट संख्या आ जाएगी जिसको सात पाँच चार से भाग करने पर रिमाइंडर चार जीरो दो देगा ऐसे करके आप के की वैल्यू आगे तक कोई के यानी नेचुरल रखोगे तो वो नंबर आएगा जिसको सात पाँच चार से भाग करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर चार जीरो दो आएगा होप आपको ये समझ में आया होगा एक और एग्जाम्पल सबसे छोटी का तो हमने देख लिया अगर एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि भाई तीन अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसको सात पाँच चार से भाग करने पर डिवाइड करने पर सक्सेसिव जो रिमाइंडर होगा वो देंगे चार जीरो और दो तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म अभी पीछे देखी इसकी जो हमने निकाली स्टैंडर्ड फॉर्म ये स्टैंडर्ड फॉर्म सब की एक जैसी नहीं रहेगी क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको बताया था कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म निकाली जिससे हम भाग कर रहे हैं सात पांच चार इनकी करो मल्टीप्लाई इन टू में के प्लस में स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट संख्या स्मॉलेस्ट संख्या कौन सी होगी जो जीरो पुट करके हमने निकाली थी कितनी थी सेवनटी फोर स्टैंडर्ड फॉर्म उन संख्याओं की जिसको सात पांच चार से भाग करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर चार जीरो दो आता है अब इसने बोला है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ तो तीन अंकों की तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या वैसे तो होती है ट्रिपल नाइन है ना सबसे बड़ी तो लेकिन जो सात पांच चार से भाग करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर चार जीरो दे वो बतानी है तो अगर हम ये कितना था भैया ये था हमारा एक सौ चालीस ठीक है एक सौ चालीस इन टू में के के यानी नेचुरल में प्लस में सेवेंटी फोर अगर मैं यहाँ पे छः रखता हूँ छः जीरो जीरो छः चौके चौबीस चो दो छः एकम छः और दो आठ आठ सौ चालीस प्लस में चौहत्तर करेंगे चार सात और चार कितना हो गया भैया ग्यारह ये हो जाएगा नौ सौ चौदह अगर मैं के को ये तीन नंबर का यार है अगर मैं के को सात पुट करता हूँ तो सात जीरो जीरो सात चौके अट्ठाईस दो सात एकम सात सात और दो नौ प्लस में चौहत्तर ये हो जाएगा चार सात और आठ हो गए पंद्रह ये हो जाएगा दस टेन फिफ्टी फोर ये तो भैया चार अंकों की बन गई तो ये पॉसिबल नहीं है ये तीन अंकों की ये पॉसिबल है ये वो संख्या है तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसको सात पाँच चार से भाग करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर चार जीरो दो देगी होप आपको ये समझ में आ गया होगा फॉर एग्जाम्पल फाइंड द लीस्ट नंबर निकालो सबसे छोटे नंबर निकालो वेन उस नंबर को डिवाइड करें सक्सेसिवली फाइव थ्री सेवन से और वो नंबर देता है लीव रिमाइंडर सक्सेसिव जो रिमाइंडर होगा वो होगा टू वन टू तो मैंने आपको सीधा सा तरीका बताया स्मॉलेस्ट फॉर्म निकाल लो स्मॉलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं भैया स्मॉलेस्ट फॉर्म एस एस सी के हिसाब से कुछ है हमारे एस एस सी के हिसाब से स्मॉलेस्ट के लिए यहाँ पे वन रखते देखो पाँच तीन सात रिमाइंडर सॉरी हाँ रिमाइंडर कितना है दो एक दो यहाँ पे वो स्मॉलर संख्या निकालनी है जो पांच तीन सक्सेसिवली पांच तीन सात से डिवाइड करने पर सक्सेसिवली डिवाइड करने पर दो एक दो रिमाइंडर देती है तो हम यहाँ पे रखेंगे जीरो ठीक है अगर जीरो रखते हैं जीरो रखेंगे सात जीरो जीरो प्लस में दो यहाँ पे आ जाएगा दो तीन दो छ और एक सात सात पांच पैंतीस और दो सैतीस ये सैतीस सबसे छोटी संख्या है जिसको पांच तीन सात से काटने पर सक्सेसफुली डिवाइड कर, करने पर रिमाइंडर दो एक और भैया कितना आएगा दो रिमाइंडर आएगा होप आपको ये समझ में आया होगा लेकिन ये तो था स्मॉलेस्ट जो हमने जीरो अगर पेपर में पूछ ले एसएससी के हिसाब से जीरो वाला कंसेप्ट से ना पूछे स्मॉलेस्ट एसएससी एस एक को स्मॉलेस्ट मानती है तो भैया एक को मानती है तो एक रख दो यहाँ पे पाँच तीन सात दो एक दो यहाँ पे एक सात एकम सात सात और दो नौ तीन इनमें सत्ताईस और एक अट्ठाईस इनकी गुना इसमें इसको प्लस अट्ठाईस अट्ठाईस पाँचे कितना होता है भैया अट्ठाईस पाँचे होता है पाँच आठ चालीस पाँच दो दस एक सौ चालीस प्लस में दो एक सौ बयालीस ये वो सबसे छोटी संख्या आएगी एसएससी के हिसाब से अगर एक रखते हैं तो जिसको पाँच तीन सात से इसको पांच तीन सात से डिवाइड करने पर सक्सेसिव जो रिमाइंडर होगा वो दो एक दो आएगा होप आपको ये समझ में आई होगी तो इसका आंसर कितना बन जाएगा वन फोर्टी टू ये ए ऑप्शन उसके बाद है ये क्वेश्चन ए नंबर वन डिवाइड सक्सेसफुली बाय फोर एंड फाइव लीव रिमाइंडर वन और टू अच्छा जी वेन इट सक्सेसफुली डिवाइड बाई फाइव एंड फोर द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर विल बी कितना रिमाइंडर होगा तो भाई इसको कैसे करेंगे फटाफट देखो सबसे छोटी संख्या निकालने का हमेशा याद रखो जीरो पुट करके चार पाँच से वेन सक्सेसिवली बाई फोर एंड फाइव इसको बोलने में थोड़ा सा ना अजीब से ना अजीब ऐसे फर्र हो जाती है। चलो कोई नहीं बाई फोर एंड फाइव लीव रिमाइंडर रिमाइंडर क्या देते हैं भैया एक और चार तो रिस्पेक्टिवली वेन इट इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय वो जो संख्या है उसको पाँच और चार से डिवाइड करें तो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर क्या आएगा देखो सबसे पहले तो हमने वो संख्या निकालनी है संख्या निकाल सबसे छोटी संख्या क्या निकाल निकालने के लिए हम करेंगे यहाँ पे जीरो पुट पाँच जीरो जीरो प्लस में फोर आ जाएगा यहाँ पे फोर चार चौक सोलह प्लस में एक सत्रह ये वो सबसे छोटी संख्या आएगी जिसको पाँच चार पाँच से काटने पर डिवाइड करने पर सक्सेसिव डिवाइड करने पर एक और चार रिमाइंडर आता है अब इसने बोला उसी संख्या को जो सबसे छोटी संख्या है सत्रह को तरह इसको पाँच चार से काटने पर रिमाइंडर क्या आएगा रिमाइंडर बताना है तो रिमाइंडर बताना है तो भैया करो इसको काटो ये कट जाएगा पांती पंद्रह रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा भैया सत्रह में से पंद्रह जाएंगे दो तीन पे जाएगा राइट अब चार को तीन से काटना है तो भैया चार को आप तीन को चार से काटना है तो चार जीरो पे जाएगा रिमाइंडर कितना बचेगा तीन बचेगा रिमाइंडर तीन गया यहाँ पे कितना आया यहाँ पे जीरो तो क्या रिमाइंडर आया दो और तीन दो और तीन किधर है दो और तीन सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा उसके बाद है ये क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट नंबर अच्छा जी स्मॉलेस्ट बोलिए वेन डिवाइड बाई सात से दो से चार से डिवाइड करने पर रिमाइंडर देता है छः एक दो रिस्पेक्टिवली इफ द सेम नंबर जो नंबर आएगा उसको अगर पाँच से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा तो फटाफट कर देना है ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है सबसे छोटे के लिए यहाँ पे हम पहले जीरो ही पुट कर लेंगे सात दो और चार रिमाइंडर देता है छः एक दो वो सबसे छोटी संख्या निकालो निकाल लेते हैं वो कैसे निकलेगी सबसे छोटी संख्या यहाँ पर जीरो रखिए चार जीरो जीरो प्लस में दो दो आ जाएगा चार दो दूनी चार चार प्लस में एक पाँच आ जाएगा सात पाँच पैंतीस और छः इकतालीस इकतालीस अच्छा जी पैतीस और छह कितना हो जाएगा इकतालीस ये सबसे छोटी संख्या आ गई नंबर आ गया जिसको सात दो से और चार से भाग करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर छः एक दो देता है अब इसे इकतालीस को इसने बोला है किससे भाग करने पर पांच से भाग करने पर पान आठ चालीस रिमाइंडर कितना आया एक एक हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा होप आपको ये समझ में आया होगा उसके बाद है ये क्वेश्चन एन ए नंबर एन है उसको सक्सेसिव डिवाइड करना है चार ना सॉरी छ पाँच सात से रिमाइंडर देता है सक्सेसिव रिमाइंडर क्या आता है तीन एक चार जो संख्या आएगी उसको डिवाइड करें पंद्रह से तो सबसे छोटी संख्या निकाल लेंगे पहले बड़ी नहीं निकाल सबसे छोटी संख्या निकालो हमेशा अगर और कुछ ना पूछे सबसे पहले छोटी संख्या निकाल लो तो छोटी निकालने के लिए जीरो पुट करते हैं एस एस सी कभी कभी इसको वन पुट करके निकालती है सबसे छोटी पर हम जीरो पुट करके निकालेंगे तो जीरो के साथ जीरो जीरो प्लस में चार कितना हो जाएगा चार पांच और एक इक्कीस छह एक सौ इक्कीस करेंगे नहीं एक सौ छब्बीस में प्लस करेंगे तो वन वन ये वो संख्या आ गई जिसको पांच छ पांच सात से काटने पर रिमाइंडर तीन एक चार देती है सक्सेसिव रिमाइंडर अब इसने बोला है वन ट्वेंटी नाइन को पंद्रह से काटने पर पंद्रह ती पतालीस पंद्रह पंद्रह निम्मा कितना होता है भैया पाँच निम्न पैंतालीस चार नौ एक नौ नौ चार पंद्रह को हम पंद्रह से काटेंगे तो पंद्रह होता है कटेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा नौ नौ इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन हमारा यहां पे ठीक हो जाएगा उसके बाद है ये क्वेश्चन वेन ए नंबर इज सक्सेसिव डिवाइड बाई एक नंबर है तीन चार सात से काटने पर सक्सेसिव काटने पर रिमाइंडर देता है हमें दो तीन पांच वट विल बी द रिमाइंडर रिमाइंडर क्या आएगा वैन एटी फोर डिवाइड्स द सेम नंबर तो सबसे पहले वो छोटा नंबर निकालने के लिए हम यहाँ पे रखेंगे जीरो सात जीरो जीरो यहाँ पे आएगा पाँच पाँचों का बीस प्लस में तीन करेंगे कितना आ जाएगा तेईस तेईस की तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तीन तीनों और तीन दो छः सिक्सटी नाइन प्लस में टू करेंगे तो भैया सेवेंटी वन अब इस संख्या को 84 से काटना है तो यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा नेगेटिव रिमाइंडर आएगा कितना आएगा भैया यहाँ पे 9 नौ और चार तेरह तेरह नेगेटिव का तेरह आया तो पॉजिटिव बनाने के लिए डिविजर ऐड कर देंगे 84 को ऐड कर दो तो चार में से तीन जाएगा एक आठ में से एक जाएगा कितना सात सेवेंटी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन इतना टाइम लगता है मेरे को इसको पेपर में सोल्व करने के लिए होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ और क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे तब तक के लिए थैंक यू वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना चैनल पर नए हो तो गए सब्सक्राइब करना